आज भी कायम है विकास दुबे के रिश्तेदारों का आतंक, शॉपिंग मॉल में तोड़फोड़ कर की लूट। यूपी के कानपुर के कुख्यात अपराधी विकास दुबे का खात्मा भले ही पुलिस ने कर दिया हो, पर उसके रिश्तेदारों का आतंक आज भी कायम है। आरोप है कि उसके भतीजे ने एक शॉपिंग मॉल में अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट और तोड़फोड़ कर रुपयों की लूट की, मौके पर फरार हो गए। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित ने थाने से शिकायत की। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। पूरा मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र के केशवपुरम स्थित एनएस शॉपिंग मॉल का है, जहां शॉपिंग मॉल की एक महिला मालिक अंजना शर्मा ने बताया कि रात करीब 10 बजे कार से कुछ लोग उनके शॉपिंग मॉल में आए और तोड़फोड़ करने लगे, जिसका विरोध करने पर उनके लोगों से भी मारपीट की। विरोध करने पर एक युवक ने अपने आप को विकास दुबे का भतीजा बताया। मारपीट कर उन लोगों ने माल की लाइट भी बंद कर दी और गुल्लक से रुपए निकालकर फरार हो गए। ये पूरी घटना शॉपिंग मॉल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। अपने आप को विकास दुबे का भतीजा बताने से शॉपिंग मॉल के लोग डरे सहमे हुए हैं, पर 3 दिन बाद बड़ी हिम्मत करके उन लोगों ने कल्याणपुर थाने में शिकायत की। शॉपिंग मॉल में तोड़फोड़ हुई है, क्या पूरा मामला, क्या कार्रवाई की गई? थाना कल्याणपुर के केशवपुरम में दो पक्षों में मारपीट की घटना हुई है, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो दोषी व्यक्ति हैं उनको चिन्हित करके उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। सर, पीड़ित महिला का आरोप है कि विकास दुबे का भतीजा बताया जा रहा था, जिसमें उसने मारपीट की। क्या मामला है, क्या घटना हुई है? यहाँ पे बाहर आए कंडक्टर कार रुकी। क्या नाम है? अंजना शर्मा। क्या घटना हुई आपको? यहाँ पे कार लड़के निकले दस्टर कार से, और उन्होंने जब हमारे यहाँ जीना टूटने लगा तो हमने टोका उनको, तो वो कहने लगे कि हमको रोका है, गाली गलौज करने लगे। मैं वकील हूँ, एक पुलिस ने बोला संपादक हूँ, और एक लड़का बोला मैं विकास दुबे का भतीजा हूँ। अंदर आके तो सोभित शर्मा साथ सुनने में आ रहा है, बाकी हम लोग कुछ जानते नहीं। गोपी गोपी नाम का एक लड़का था उसमें, और आगे गाली गलौज करने लगे। उन्होंने कहा हमारे यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, मेरे 18 कैमरे लगे हुए हैं, तो उन्होंने तोड़ फोड़ करी, हमारे MCV गिरा दी, PFP गिरा दिया, अंधेरे में पैसे भी निकाले हमारे यहाँ से। कितने पैसे चोरी हुए? 22,500। ये किस समय की घटना है भाई? 9:45 की रात में या दिन में? रात में। उसके बाद में फिर आपने कोई शिकायत की कहीं? अरे हम शिकायत किया, इतना ईंटा पत्थर गाली गलौज, और फिर जब शीशे में पत्थर पत्थर मारा, सारा सामान यहाँ गिरा दिया, ऊपर जाके टाइल्स की तोड़ फोड़ की, कांच तोड़ा ऊपर जाके। पुलिस से मदद मांगी आपने? अरे 100 नंबर 2 बार डायल किया, उठाई नहीं, बिजी बता रहा था। उसके बाद मौका ही नहीं मिला कुछ करने का। पुलिस ने कुछ एक्शन लिया आपने? तहरीर दी पुलिस को? फिर हम लोग बाद में रात में एप्लीकेशन लिखाई है। उस समय तो कहाँ समझ में, इतनी ताबड़तोड़ लड़ाई में भैया बेटा करते रहे, हम बेटा बेटा करते रहे, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, इतने भयंकर वो लोग सबके सब नशे में थे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।